बड़वानी जिला मुख्यालय पर भाजपा द्वारा नागरिक संशोधन बिल के समर्थन और प्रदेश सरकार के बिल को लागू न करने के विरोध में स्थानीय झंडा चौक से कलेक्ट्रेट पर पैदल मार्च कर रैली निकाली। खरगोन बड़वानी सांसद ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को सोनिया का चमचा बताया। नागरिक संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है, पर मुस्लिमों को नहीं। जब से ये बिल पास हुआ, राजनीति गरमाने लगी है। मध्य प्रदेश सरकार बिल को लागू नहीं करने देगी, इस संदेश के बाद मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाने लगी है। भाजपा ने बड़वानी में नागरिकता संशोधन विधेयक बिल मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए झंडा चौक से रैली कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची। जिले भर से आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं ज्ञापन देने से पहले कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट गेट के ऊपर चढ़कर परिसर में दाखिल हो कमला सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक कार्यकर्ता द्वारा गेट पर लगे ताले को पत्थर से तोड़ने की कोशिश की गई, जिस पर सांसद द्वारा कार्यकर्ता को रोक दिया गया। कलेक्टर अमित तोमर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। ओम जी, आज किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज सभी जिला मुख्यालयों का घेराव करके मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल लागू हो, इसको लेकर पूरे जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया गया। आज बड़वानी में भी मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन बिल लागू हो, इसको लेकर ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन के नेतृत्व खरगोन बड़वानी लोकसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद गजेंद्र पटेल सिंह जी ने किया। हमारे साथ में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह जी आर्य के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज ये ज्ञापन दिया है कि नागरिकता संशोधन बिल मध्य प्रदेश में लागू किया जाए, इस बात को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। आज कमला सरकार का एक साल भी हो रहा है, किस दृष्टि देखते हैं? आज बेमिसाल बोल रहे हैं उनका कार्यकाल, ये तो यहाँ के किसानों से पूछना चाहिए कि किन लोगों के 2 लाख रुपए माफ हुए हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की लूट मची, जिस प्रकार का ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, जिस प्रकार किसानों के साथ यूरिया के नाम पर धोखाधड़ी, जिस प्रकार किसानों के साथ छलावा हो रहा है अतिवृष्टि के नाम पर, आज दिनांक तक जो दिल्ली सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार को दी थी, 1,000 करोड़ रुपए की एक फूटी कौड़ी भी हमारे किसानों को नहीं मिली है और ना उनका सर्वे हुआ। किसान दर दर भटक रहा है, यूरिया के लिए लाठियां खा रहा है, यूरिया के लिए रात और दिन वो किलोमीटर से लाइन में खड़ा है। ये कैसी सरकार 1 साल से चली है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चूंकि यहाँ गृह मंत्री का क्षेत्र है और क्राइम के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इस प्रश्न का जवाब और इस प्रश्न का उत्तर भी आपने गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए कि उनके गृह मंत्री बनने के बाद ये जिला किस ओर जा रहा है, ये उनसे प्रश्न करना चाहिए आपने। ये आप लोकतंत्र के चौथे प्रहरी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि गृह मंत्री के क्षेत्र में अत्याचार और अन्याय बढ़ रहा है, गृह मंत्री के क्षेत्र में घटनाएं बढ़ रही है, तो यहाँ गुंडागर्दी बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ सब कुछ ठीक नहीं है। वो तो आंकड़े भोपाल में कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि आपके कार्यकाल जो सरकार थी उसमें ज्यादा अपराध घटित हुए थे अभी की बजाय। ऐसा है कि कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, पर जनता सब जानती और जनता सब देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब भी मिलने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को